हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की बैठक जिला अध्यक्ष चमन पुंडीर की अध्यक्षता में मंडलीय कार्यशाला जसूर में आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल परिवहन निर्देशक सदस्य मनमोहन कटोच BDO ने मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में हिमाचल परिवहन निर्देशक सदस्य मनमोहन कटोच को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में अमित पठानिया राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव व मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निगम में नियुक्त नए प्रबंधक निर्देशक रोहिन का कार्यभार संभालने पर स्वागत किया गया व उनसे आशा की गई कि वह परिवहन पेंशनर की ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बैठक में वक्ताओं ने मुख्य रूप से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के पश्चात 50,000 एरियर राशि तुरंत जारी करने, 65-70 वर्ष पूरा कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्रमशः 5-10-15% वृद्धि जारी की जाए। सर, आज बैठक में BDO के सदस्य मनमोहन कटोच जी आपके समक्ष आए हुए थे, क्या कहेंगे? जो आपने समस्याएं उनको बताई है उसको लेके क्या कहेंगे? आज हमारी सब डिवीजन नूरपुर की बैठक जसूर में जैसे होती है हर महीने हुई, तो इस करके यहाँ के इलाके के जो हमारे BOD के HRTC के मेंबर बने थे, हमने इनको सादर निमंत्रण दिया था कि हमारी बैठक में आए और हमारी जो समस्याएं रिटायरियों की आज चल रही हैं काफ़ी समय से, उन समस्याओं को हम ताकि इनके पास रख सकें और हम हमारी समस्याओं को ये सरकार के आगे और BOD की बैठक में मनवाने की कृपा करेंगे। और इन्होंने पूरा आश्वासन ही दिया है, हमें आश्वासन दिया है और हमें पूरी उम्मीद भी है कि एक यंग है बने हुए BOD के मेंबर हैं और ये हमारी समस्याओं को, बुजुर्गों की समस्याओं को सुने हैं इन्होंने और उनको BOD की बैठक में सरकार से साथ, माननीय मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ हमने रखेंगे और मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जी सर, आज जहाँ पे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो बैठक हुई है, इन कर्मचारियों को आपके सदस्य BOD का सदस्य बनने पे बहुत प्रसन्नता है और अपनी समस्याओं को लेके इन्होंने आपसे बात की है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली दफ़ा BOD सदस्य बनने के बाद जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके साथ मिलने का एक मौका मिला है, बहुत सी ऐसी बातों का ज्ञान, बहुत सी ऐसी बातों को जानने का एक मौका जो बातें शायद मैं नहीं जानता था, जिन बातों से मैं अवगत नहीं था, और HRTC की भलाई के लिए जो बातें इन्होंने रखी हैं उससे मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगता है कि हम इस बात को लेके अगली BOD की बैठक में इनकी जो मांगे हैं उनको भी रख पाएंगे और जो इन्होंने सलाह मशवरा दिया है, जिस तरह से इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को लेके हमारे जुझारू जो मंत्री हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उप मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं और साथ में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके समक्ष भी इनकी मांगों को लेके विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए हम लोग जाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांग्रेस ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।